हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एमआरएफ के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 31 अक्टूबर 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एमआरएफ में यहाँ पे आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 2.30% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 89,368.30 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा जो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए मतलब मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए हम जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा ज्यादा हमें वॉल्यूम देखने वाला। कैंडल यहाँ पे मीडियम साइज के अंदर ऊपर के साइड में छोटी सी हमें विक भी जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसए की, आरएसए हमारा 69.70 मतलब बॉर्डर लाइन ओवरबॉट के जो है यहाँ पे बॉर्डर लाइन एरिया पे जो चल रहा है जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसए हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मोमेंट का है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ स्टॉक में डाउनसाइड जो है इजीली फिलहाल 88,293 के आसपास देखने मिलेगा। अगर उसको भी क्रॉस करते गया तो स्टॉक में इजीली डाउनसाइड 86,573 के आसपास देखने मिलेगा। स्टॉक में आप यहाँ पे जरूर कॉशियसली काम करें। बाकी यहाँ पे क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँ इंट्राडे में सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेवर में होगा वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे ट्रेड करना है तो मैं आपको करंट प्राइस पे बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। 85,617 के नीचे कभी भी स्टॉक आते हुए देखने मिले जरूर आप वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग साइड के लिए जो जरूर अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करें। बाकी लॉन्ग टर्म वाइज अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म वाइज यहाँ पे जो करंटली स्टॉक जो अपसाइड ऑलरेडी जो है मूवमेंट में है, तो करंटली स्टॉक जो है अगर कभी भी आपको 8531 के नीचे आते हुए देखने मिले 25% करके यहाँ पे जो अपना कैपिटल को जो है यहाँ पे बाय करें। कभी भी स्टॉक जो है 4-5% तक यहाँ पे जो है यहाँ गिरे तब आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो तो हमें जरूर कमेंट करके बताना ही। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ऑलरेडी सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस सारे के सारे मार्क्ड है। फिलहाल हमें कोई मार्किंग्स करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 89,248 के आसपास जो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 89,033 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 89,555 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो है मंडे के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट 2 सपोर्ट जोन और 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 88,440 का, उसके बाद क्या 87,848 का।
यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन के बाद का अगला रिलेशन आता है 9178 का, उसके बाद आता है 9632 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रिलेशन आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जब अपना यहाँ पे मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर जो है एक स्लाइट पॉजिटिव मोमेंट का, मतलब 89555 से लेकर 9178 के रेंज में हमें जरूर एक गैप अप ओपनिंग के साथ इस रेंज में स्टॉक आते हुए देखने मिलेगा। यहाँ पे जरूर रिवर्सल आ सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें जरूर देखने मिलेगी इस रेंज में, हमारे क्लोजिंग की जो जरूर एक्सपेक्टेशन है। बाकी यहाँ पे आपको मोमेंट जो है ज्यादातर यहाँ पे नेगेटिव साइड का जो है देखने मिलेगा, ओपनिंग ही तुरंत गैप अप होगी, थोड़ा सा ऊपर जाके स्टॉक जो गिरते हुए देखने मिलेगा। तो ओवरऑल कुछ इस तरह का हमारा जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बन रहा है। बाकी आपको क्या लगता है यहाँ पे किस तरह का मोमेंट, इवन यहाँ पे किस तरह की क्लोजिंग हो सकती है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।